देश का सबसे बड़ा घोटाला। धोखेबाजों ने भगवान को बनाया मोहरा। राम मंदिर के नाम पर शुरू हुआ खेल। फर्जी अकाउंट में पहुंचने लगा चंदा। खुलासे के बाद से ट्रस्ट में हड़कंप। मंदिर ट्रस्ट करेगा सख्त कार्रवाई। धोखेबाजों से सावधान। क्या आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले ही उसके चंदे में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के खुलासे के बाद से मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रस्ट में शामिल सदस्यों का मानना है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए कई लाख रुपयों का गमन भी किया जा चुका है। राम मंदिर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और अब भगवान राम को उनके अस्थाई मंदिर में शिफ्ट भी कर दिया गया है ताकि मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से काम रुका हुआ है। सरकार के आदेश के बाद मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बना दिया गया, जिसके देखरेख में ही मंदिर का कार्य पूरा कराया जाएगा। राम मंदिर से दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, लिहाजा मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी खूब आना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय ने बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रस्ट का खाता खुलवाया ताकि भक्त इस पे चंदा भेजें और उसका पूरा हिसाब रखा जा सके। और ये सोचा कि शायद ये धोखाधड़ी है, क्योंकि अभी हमने किसी प्रकार का वेबसाइट डेवलप नहीं किया, अभी हमने कोई ट्विटर अकाउंट भी नहीं खोला, तो ये कैसे हो गया? हमने आज उसकी FIR दर्ज कराई है राम जन्मभूमि थाना में। देश के तमाम लोगों से आग्रह है कि राम मंदिर तो हिंदुस्तान में कहीं भी बन सकता है, अयोध्या में भी बन सकता है, और उसके लिए कोई भी धन संग्रह भी कर सकता है। चिंता तब हुई जब उसने प्रतीक चिन्ह का भी प्रयोग किया। हमने इंटरनेट के माध्यम से उसके सारे कागज निकाले हैं, 7-8 कागजों का पूरा सेट है, वो हमने पुलिस को दिया है। चंपत राय जी के मुताबिक अभी ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा आना शुरू नहीं हुआ है, जबकि किसी फ्रॉड शख्स ने उसी ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर उसका प्रमोशन भी शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त उस फर्जी अकाउंट में मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगा जा रहा है। ट्रस्टी चंपत राय ने तुरंत ही इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। चंपत राय की बात सुनते ही पुलिस खुद भी पशुपेश में आ गई कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जांच में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक ये खाता दिल्ली के उत्तम नगर में खोला गया है, जिसमें मंदिर से जुड़े फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया गया है। किसी व्यक्ति ने अयोध्या राम मंदिर के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट, कोई वेबसाइट बनाई है, बैंक अकाउंट भी खोला है। जो लोगों हमने समाज में आप लोगों को दिया वो उसने छापा है। उस जिस व्यक्ति का नाम इंटरनेट से निकाला गया है उस वो अविनाश बहुखंडी और दिल्ली के उत्तम नगर उत्तम विहार में वो रहता है, या उसने एड्रेस दिया रहता है कि नहीं रहता कौन जानता है। दिल्ली के उत्तम नगर का उत्तम विहार, उत्तम नगर एक बड़ी लोकेलिटी है, पश्चिमी दिल्ली में है, उसमें उत्तम विहार कोई एक छोटा पॉकेट है।
एक टेलीफोन नंबर भी लिखा है। ये चार दिन पहले हमारे ध्यान में आया। जांच में पता चला कि फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स ने ट्रस्ट के लोगों का इस्तेमाल तक कर लिया है और तो और वो गूगल पे के जरिए भी चंदा जमा कर रहा है। जबकि चंपत राय के मुताबिक अभी तक ट्रस्ट ने चंदे के लिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टाई अप किया ही नहीं। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट तक तैयार कर लिया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए लाखों रुपए चंदे के नाम पर जुटा लिए गए होंगे, जिनकी अब वसूली की जाएगी। लिहाजा भक्तों से अनुरोध है कि वो चंदा देने से पहले खाते की जांच कर लें। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट।